हाय, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यमी होममी फूड। आज के वीडियो में हम सीखेंगे गनाश के बारे में और फुल प्रूफ गनाश कैसे बनाया जाता है। चॉकलेट गनाश। What is a गनाश? गनाश क्या है? ये चॉकलेट और गरम क्रीम का मिक्सचर है, जिसे तब तक मिलाया जाता है जब तक कि यह शाइनी, स्मूथ और सिल्की हो जाए। इस गनाश को फ्रॉस्टिंग के लिए, पाइपिंग के लिए या ड्रिप के रूप में या टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गनाश कैसे बनाते हैं? गनाश बनाना बहुत ही आसान है। ऐसे बनाने के लिए आपको बस 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक है चॉकलेट और दूसरी है क्रीम। गनाश के लिए आप किसी भी तरह की चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट। आप बाजार से खरीदी गई किसी भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमूल फ्रेश क्रीम, गो क्रीम या कोई भी क्रीम जो उपलब्ध हो। क्रीम को तब तक गर्म करें जब तक उसमें छोटे बबल्स आने लगे। उबलने से पहले आंच बंद कर दें। चॉकलेट के ऊपर गर्म क्रीम डालें। आपकी चॉकलेट रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, लगभग 5 मिनट के लिए अलग रख दें। चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाए और फिर इसे मिलाएं जब तक यह स्मूथ और शाइनी न हो जाए। गनाश को केक पर लगाने से पहले 30 मिनट से 1 घंटे के लिए अलग रख दें। ठंडा होने पर यह गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चॉकलेट और क्रीम की मात्रा। गनाश की सही कंसिस्टेंसी यानी कि संगति बनाने के लिए हमें सही मात्रा में चॉकलेट और क्रीम डालने की जरूरत है। गनाश बनाने का बेसिक फॉर्मूला है कि चॉकलेट और क्रीम को 1:1 रेशियो में इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब है कि अगर आप 8 ग्राम चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 8 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। यह फॉर्मूला कैलिबोर हाई क्वालिटी वाली चॉकलेट के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आप अपने डेयरी मिल्क चॉकलेट के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आपका गनाश बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठंडा होने के बाद भी यह इतना पतला होगा कि केक को फ्रॉस्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह डिफरेंस चॉकलेट में कोको की मात्रा के कारण होता है। हाई क्वालिटी कैलिबोर चॉकलेट में 54% कोको होता है, जबकि डेयरी मिल्क में केवल 20% कोको होता है। आपके चॉकलेट में जितना अधिक कोको होगा, आपका गनाश उतना ही गाढ़ा होगा। इसलिए अगर आप डार्क चॉकलेट को यूज कर रहे हैं तो चॉकलेट से क्रीम का रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि इसमें कोको की मात्रा ज्यादा है। मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल करते समय आपको 2:1 या 2.5:1 चॉकलेट से क्रीम का रेशियो उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोको का प्रतिशत कम होता है। यानी अगर आप 16 ग्राम चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल करें। और सफेद चॉकलेट के लिए यह 3:1 के रेशियो में होना चाहिए, यानी अगर चॉकलेट 18 ग्राम है तो 6 ग्राम क्रीम में। गलतियां और उनके सुधार। नंबर 1, गनाश जो बहुत ही गाढ़ा है। आपका गनाश कभी ठंडा होने पर बहुत ही गाढ़ा हो सकता है। इस तरह के गनाश में गर्म क्रीम डालें और एक बार में थोड़ा सा मिलाएं, जब तक कि आपको सही कंसिस्टेंसी न मिल जाए। गनाश जो बहुत पतला है। कभी कभी आपका गनाश बहुत ही पतला हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए बस कुछ पिघली हुई चॉकलेट को तब तक मिलाएं जब तक आपको सही कंसिस्टेंसी ना मिले। आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में या डबल बॉयलर में पिघला सकते हैं। चॉकलेट जो ठीक से पिघली नहीं है। कभी कभी आपको चॉकलेट के ऐसे टुकड़े मिल जाते हैं जो आपके गनाश में पिघले नहीं है। इसे ठीक करने के लिए बस गनाश को लें और इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें या इसे डबल बॉयलर पे गर्म करें, जब तक सारी चॉकलेट पिघल जाए। गलत माप। और याद रखें, अपने माप के रूप में कभी भी कप का इस्तेमाल न करें। एक कप चॉकलेट एक कप क्रीम के बराबर नहीं है, हमेशा माप के साथ जाएं। ये थे गनाश के कुछ ट्रिक्स और टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।